कैसे हुआ ये पता है? ये निकले बच्चे यहाँ को नीचे को निकल कर भाई ये कितने तेज है बताओ बच्चे हैं। तो भाई अभी हम क्या कर रहे हैं, हम गाय के लिए यहाँ पर चारा तैयार कर रहे हैं। हमने उसके लिए छिलका यहाँ पर भिगो दिया है, छिलका उसके अंदर है यहाँ पर खल, गिरोली वाली खल। तो बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम बेल्जियम मेलिनोइस को अपने घर पर लेकर जाने वाले हैं। मैंने कई दिन पहले आपको बोल रखा था कि इसको हम घर लेकर जाएंगे, क्योंकि वहां पर हमारे पास डॉग नहीं है ना। डॉग नहीं होगा तो भाई परिंदों को खतरा है, बिल्ली का, चील वगैरह का। अगर डॉग हमारे पास होगा तो हमारे पास कोई भी चीज नहीं आएगी, सारी चीजें डरती हैं डॉग से। तो इसको आज हमें काम निपटाने के बाद घर पर लेकर जाना है। आज मेरे पास गाड़ी भी है ना, वरना गाड़ी नहीं होगी तो स्कूटी में तो इसका पता नहीं ये जाए या ना जाए। विजेंद्र भाई पड़ा है वहां पे चारा पड़ा, चलो आ जाओ। यार ये जो बेल है ना, ये धीरे धीरे करते करते हमारी इस वाली टीम पर इधर फैलती जा रही है और उस वाली टीम पर उधर फैलती जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर टीम के ऊपर ये अच्छी तरह से फैल गई ना, फिर नीचे धूप भी नहीं लगेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी और नीचे फिर ठंड भी रहा करेगी। बेल के सहारे ये सारे काम तो इजीली हो जाएंगे। पता नहीं आप लोगों को दिख पाए या ना दिख पाए, देखो वहां से आना शुरू हो गई है और इधर से आना शुरू हो गई है, थोड़ी बहुत इधर से आना शुरू हो गई है और इस साइड तो थोड़ी ज्यादा फैल गई है। वो देखें भाई कितनी फैल गई है हमारी इस वाली टीम पर। विजेंद्र भाई टीम पर ऊपर चढ़कर देखोगे, क्या पता तोरी लग रही हो। तो यार विजेंद्र भाई को मैं ऊपर चढ़ा देता हूँ टीम पर और देखते हैं कि अगर तोरी होंगी ना, तोरी हम तोड़ लेंगे, वरना वहां पर लगी हुई तो वो सूख जाएंगी। चढ़ोगे? सीढ़ी ले आओ वहां, शाबाश आ जाओ। तो भाई अभी हम सीढ़ी लगाते हैं और देखते हैं इसके ऊपर चढ़कर। देखो यहां से भी नीचे लटकने लग गई है, दूर से लगाओ, दूर से ऐसे तो बहुत ऊपर बैठ जाएगी। बस इस जगह चढ़ना जो टूट ना जाए, ऐसी इस जगह रखना कदम। ना लग रही? लग रही है, चढ़ो आराम से चढ़ना। चलो कहाँ है तुम, तो खड़े हो यहाँ पर, ये टूट ना जाए टीन, मुझे इस चीज़ का डर है। देखो वो लग रही वहाँ पर, भाई थोड़ा डर लग रहा है। आराम आराम से जाना, आराम से आराम से आराम से। ये तोरी हैं, घिया हैं इतने मोटे मोटे। अच्छा ये हमारी वाली बेल है, देखो भाई ये वाली बेल इनकी है और वो वाली जो बेल है ना, हमने वो कभी पहले लगाई थी उसकी है, वो पिछले साल वाली बेल की। ले आओ विजेंद्र भाई ले आओ। सुनो सुनो सुनो, वहां पर एक लौकी भी लगी हुई है, उसे भी तोड़ के लाओगे क्या? जाओ जल्दी जाओ भाई, उधर इनकी बेल पे लौकी लगी हुई है, उसको भी छुटा कर लाएंगे। यार यहाँ तो तोरियां बहुत सारी हो रही हैं, ले आओ जितनी भी हैं, चार तो हो गई हैं, चार बस। उस साइड है फिर तो देखो, एक दो तीन, तीन दिख रही है मुझे बोरी वहां। हमें लगा ये बेल सूख गई, लेकिन बारिश पड़ पड़कर बारिश ने ये बेल दोबारा चालू कर दी। ये आगे जाओ, आगे जाओ, हाँ यही दिख गई वहां से। चलो देखो भाई कितनी ज्यादा फैल गई है, मैं तो चाहता हूँ सारी टीम पर फैल जाइए, फिर हमारे डॉग्स को भी गर्मी कम लगेगी। बस सारी आज बेल खाली कर दोगे क्या? चलो आराम से तोड़ लो जल्दी। कच्चा है? छोटा है, चलो छोड़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ टीन पर। यार टीन पर भी तो खतरा है, विजेंद्र भाई बहुत देर से खड़े हैं, ऐसा ना हो नीचे आके पड़े सीधा। आ जाओ तो आ जाओ, कितनी हो गई? ये तो 5, 9, 10 हो गए दिखे। आ जाओ भाई नीचे चलते हैं। विजेंद्र भाई गिर मत जाना, आ जाओ फेंक दो ऐसी, होद में फेंक दो, हाँ होद में, आ जाओ आराम से। इस साइड पता ना लग तो ना रही। ये लो भाई तोरी विजेंद्र भाई ने इसमें फेंक दी है, जब जाएंगे ना इसमें से निकाल लेंगे। कहाँ है? और ऊपर कितनी ये तोरी है, और ये क्या है, ये घिया से लग रहे हैं यार। और ये पका दी, अरे यार ये बेकार है। अब ये करकट्टा है। कहाँ है करकट्टा? इगुआना। ये देखे भाई ये दिख रहा है आदमी को खा जा। अब ये बताओ ये किसी काम की है नहीं है? ये नहीं अभी काम, बीज बनेगा बस। अरे यार ये तोरियां देखो कितनी बड़ी बड़ी तोरियां हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये तोरियां हैं, ये घिया की तरह लग रही हैं, पर ये अब तो भाई पक चुकी हैं। ओ ये वाली तोर भी लंबी है, इनका कुछ काम नहीं है अब तो इनका बीज बीज ही बनेगा, ये खाने लायक तो है नहीं अब। ये जो है ना ये चने पहले छनने हैं, उसके बाद उसका 3 मुट्ठी भूस रखा जाएगा, बड़े वाले घोड़े के, ये बड़े वाले घोड़े के 3 मुट्ठी भूस, ठीक है, और ये छन के उसके भूस में रले जाएंगे और 1 कटोरा रातों, सॉरी 1 कटोरा चोकर, ठीक है समझ गए। अब इसे छनो है कैसे, मुट्ठी से निकालो और उसमें रखो,
मतलब इसमें लिगाड़ लिगाड़ के उसमें करो, इसे यहाँ को रख लो, यही रख लो जमीन पे ही। नहीं किस्मा करूं बताओ, इस पे करो ना, पर छान के और करेंगे किस्मा। चलो रुको मैं कुछ और बाल्टी वाल्टी के जुगाड़ करता हूँ पहले। छोटी बाल्टी कहाँ है वो? हाँ हाँ ऐसी कर लो, ऐसी कर लो, ऐसी कर लो। ये निकल जाएगा सारा पानी, निकल ही जाएगा। अब एक काम करो, इसे उस ड्रम को उठा के ले आओ तुम, ठीक है ना? ले आओ एक कटोरा। चोकर कहाँ है? हाँ डाल लो, भूस ज्यादा मोटा है ना, जैसा कटर का भूस हो। चलो एक थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत कम कर लो चाहे, बस बस। चलो आराम से, आराम से गिर मत जाना। चलो 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 चलो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऊपर वाला हटाऊं क्या? रहने दे हड़, चले मैं ही खाएगा। भूस मोटा है आज का। युवराज को तो चारा रख दिया है, अब बारी है पंछी की। यार मैं एक पाइप हटा दूं, लो इसे पकड़ना जरा। क्यों हटावे इसे, रहने दे, बिगड़ तो काम खत्म हो। चलो इसका तो काम वैसे भी खैर खत्म ही हो गया। तो भाई अब तैयारी हो रही है पंछी के खाने की, आराम से। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही है। चलो आराम आराम से गर्म पानी। यार हमारे जो दो घोड़े हैं ना, पंछी और युवराज, दोनों का चारा अलग अलग तैयार होता है। एक एक चने खाता है, एक जई खाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक ही चीज खा ले, पता नहीं ऐसे करते ही नहीं है। निकल गया सारा पानी? हाँ तो इसमें इसमें पलट लो, इसमें डाल लो एक कटोरा चोकर। पता नहीं बहुत ज्यादा नखरीले हैं, छोटा घोड़ा चने नहीं खाता, बड़ा घोड़ा जई नहीं खाता। बस हल्का 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 रखो, हल्का बस है? बस दो कटोरे, दो सॉरी दो मुट्ठी, दो खोंच, ये एक, बस खींच दो परे को, बस इतना ही छोड़ दो, आराम से सिर मत मार लेना। पंछी आज तो डरने का नहीं है बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा, डर ही जा तू थोड़ी देर के लिए, इतने हम तेरा चार तैयार कर ले। पहले तो नहीं पड़ा था इसमें? नहीं। चलो फिर तो सही है। चल भाई पंछी बेटे जा खा ले। तो भाई पंछी और युवराज का काम खत्म हो चुका है, अब बारी बचती है अपनी झूमर की। चलो भाई उसका काम खत्म करने के बाद आज दूध भी हमें निकालना है। आराम से, आराम से, शाबाश, आ जाओ। इन्हें पहले यहीं रख दो, पहले से खोर में भूस डालेंगे। चल भाई झूमर इधर हो जा, जितना मैं कहूँ ना उतना करना, आराम से आराम से आराम से। कैसे उतावली हो रही है, बस बहुत थोड़ा करना है। ये मानो जो पूरी बड़ी बाल्टी है ना, है? बहुत है, थोड़ा सा और कर दो, बस बस बस, शाबाश शाबाश, आराम से। कितनी सॉफ्ट है ये, ले आओ। ओ राम से मिला दो, बिल्कुल बढ़िया कर गए। और ड्राम का तो बहुत बुरा हिसाब है यार, ड्राम तो हमने कई जगह बांधने की भी कोशिश कर ली, खोर का सबसे बढ़िया रहा। पहले यार हमारे पास ड्राम था ना, उसको ये बिल्कुल ऐसी गिरा देती थी बहुत आसानी से, सारा सारा रात तक वेस्ट, सारा जो इसके चारा था वो वेस्ट हो जाता था। पर अब कर लो, क्या करना है अब, तो भाई खाना ही पड़ेगा। क्या खा ले, खा ले, खा ले, शाबाश, बस जी। तो लो भाई झूमर का काम भी खत्म हो गया। अच्छा बस अब इसको जल्दी से इसका दूध निकालना है, आ रहे हैं थोड़ी देर में, तैयार हो जा। भाई मैंने ना ये पपीज आपके सामने, याद होगा आपको, मैंने उस वाले केज में रखे थे, और इस केज में सिर्फ दो बच्चे हैं, इसमें तीन आ गए। कैसे हुआ ये पता है, है? ये निकले बच्चे यहाँ को, नीचे को, भाई कितने तेज है बताओ बच्चे हैं। मैं भी तो हैरान हो रहा हूँ, मुझे लगा बीच ऊपर से कूदी होगी और फिर उसने उठाए होंगे और फिर वापस आ गई, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, होने को वैसे हो भी सकता है ऐसे भी। बच्चे निकले हैं भाई देखो यहाँ को, ये जगह है, उस वाले केज से यहाँ से निकलकर इधर आ गए। यार ये कमाल की बात है, ये ईंट लगानी पड़ेगी यहाँ पर ऐसे, ये ईंट हटा रखी होगी, या तो फीमेल ने हटाई है या फिर बच्चे बच्चों ने हटा दी होगी। बच्चे भी खैर नहीं हटा सकते यार, ये काफी भारी ईंट है। बताओ तीन बच्चे कैसे मजे से यहाँ दूध पी रहे हैं। चलो एक काम करता हूँ, इनको भी छोड़ ही देता हूँ इसके अंदर। यारी बैठ जा, बैठ बैठ जा। तो दोस्तों अब बारी है हमारी झूमर की दूध निकालने की। इस साइड कर लो, इस साइड।
इस साइड जहाँ पहले ही। झूमर आराम से, थोड़ा चोकर रलेगा पहले उसके, उसमें बाल्टी हाँ रखी है ठीक है। यार मैं अभी थोड़ा सा चोकर लेकर जा रहा हूँ क्योंकि चोकर के सहारे से ना वो और भी इसको मतलब टेस्ट मिलेगा उसके खाने में, और फिर वो ना लात चलाएगी ना मुंह चलाएगी। ले भाई झूमर ये खा और हमें दूध निकालने दे। चलो आराम से